मेमोरी, ठीक है। तो जनरली जो भी हम लोग यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। जो मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है, जो भी उस प्रोग्राम को मेमोरी मिलेगी वो प्राइमरी मेमोरी से मिलती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग यहाँ बोलते हैं रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हम लोग के कंप्यूटर में, लैपटॉप में रैम लगे रहता है, ठीक है, मोबाइल में भी रैम होता है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होते हैं, इस रैम पे होती है। मतलब उनको मेमोरी कौन देता है, रैम देता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क होता है, HDD जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है। क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। तो परमानेंट स्टोरेज जो होगा, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनल आउटपुट आता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगर फाइनल हम लोग को कोई आउटपुट देखना है या फिर कोई फाइल से हम लोग को स्टोर करनी, जो परमानेंट स्टोर रहे, ठीक है, वो हार्ड डिस्क में हम लोग करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। तो हम लोग जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है। वेरिएबल्स जो बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया इंट ए, ठीक है, वेरिएबल्स हमने बनाया। तो ये वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी है, एक स्टोरेज है, ठीक है। क्या है, स्टोरेज है, ठीक है। इस स्टोरेज को मेमोरी कहाँ से मिलेगी, रैम पे मिलेगी, ठीक है। रैम के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मैंने इंट ए बनाया, ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10 मैं लिखता हूँ, ठीक है, ए इक्वल टू 10 मैं लिखता हूँ, तो ये 10 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इसी ब्लॉक्स में से एक मेमोरी इसको अलोकेट होगी, ठीक है, ये वाला ब्लॉक इसको अलोकेट हो जाए। और इस ब्लॉक का एक एड्रेस होगा, क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, लाइक 2101 इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, 2103 इस टाइप से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब यहाँ पे सिक्वेंशियली एड्रेस अलोकेट होता है, वहीं पे जाके एक मेमोरी उसको मिल जाएगा, और ये 10 वैल्यू इसी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। आया समझ में, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल्स, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल सर स्टोर करता है वेरिएबल मतलब हाँ, वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू है यहाँ पे, ये 10 वैल्यू है, ठीक है, कितने सर नंबर है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, सर ठीक है। तो वापस अपन अपने इसमें आते हैं, नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। डिक्लेयर पता है कैसे करते हैं, हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल लिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक साथ कई वेरिएबल्स भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंट ए, फ्लोट बी, कैर सी, इस टाइप से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हम लोग देखे हैं, ठीक है, इंट, फ्लोट, कैर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू को हम लोग को यूज़ करके एक वेरिएबल बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट लिखेंगे, ए लिखेंगे, और साथ में यहाँ उसको इनिशलाइज भी कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 10 हम लोग ले लिए। अगर सेम डेटा टाइप है उसके हम लोग मल्टीपल वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कॉमा दे के भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, ए और बी, ठीक है। ए को इनिशलाइज कर लिए हम लोग 10 से, बी को इनिशलाइज कर लिए 20 से, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोट, फ्लोट का हमने एफ नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे 20.8, ठीक है। फ्लोट कल मैंने बताया था डेसिमल प्लेसेस को सपोर्ट करता है, सर ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट के लिए हम लोग वेरिएबल बनाया एफ, ठीक है, और उसमें 20.8 वैल्यू हम लोग ने स्टोर कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल बनाया कैर का, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, कैर सी हमने बनाया, और उसमें सिंगल कोट्स के अंदर
वैल्यू दे दिया, ठीक है। इसमें हम लोग अल्फाबेट दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, या फिर सिंबल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, तीनों हम लोग दे सकते हैं। यस आया समझ में? ठीक है, जो यस सिंगल कोट्स में देते हैं वो क्या होता है? कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर होता है। यस सर। तो ये था वेरिएबल्स, ठीक है। ठीक है, अब इसके हम लोग टाइप्स देखते हैं, वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं। सर हाँ बोलो सर, अब जितना भी प्रोग्रामिंग करो उसमें सब, देखिए फाइव टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है ग्लोबल वेरिएबल, थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल, फोर्थ होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल, फिफ्थ होता है एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। ये तीन हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग ये दो चीज में ध्यान देंगे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लोकल वेरिएबल पे। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, ठीक है। हम लोग कोई भी फंक्शन के अंदर में जो भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, वो लोकल वेरिएबल होता है उस फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, int x, ये हमने किसके अंदर बनाया? इस void function one के अंदर बनाया, ठीक है, void function one के अंदर बनाया, ठीक है। तो ये x का स्कोप कहाँ तक रहेगा, मतलब ये x accessible कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, मतलब इस फंक्शन के अंदर में ही एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, लोकल टू द फंक्शन वन, ठीक है, लोकल टू द फंक्शन वन। आया समझ में? नहीं समझ में आया? देखो जैसे हम लोग लिखते हैं मेन, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग? मेन लिखते हैं वर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा void main, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, मैं लेता हूँ char c, ठीक है, मैंने कैरेक्टर का वेरिएबल बनाया c, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सेस हो सकता है, मतलब हम लोग इस वेरिएबल को कब कहाँ यूज कर सकते हैं? ब्रैकेट तक, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, यस सर। इसका स्कोप होता है, क्या होता है? स्कोप होता है, मतलब ठीक है, बाउंड्री होती है इसके लिए, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इतने ही जगह तक एक्सेस हो पाए, मतलब ये लोकल वेरिएबल होगा, ठीक, किसके लिए? मेन फंक्शन के लिए। इसका मालिक कौन होगा? ये मेन फंक्शन होगा। आया समझ में? यस सर। मालिक कौन होगा इसका? मेन फंक्शन होगा, क्लियर। इसको बोलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल, ठीक है, जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं और फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होते हैं, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इस फंक्शन के बाहर में बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग को ग्लोबली डिक्लेयर करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे int num दे दिया, ठीक है, char c दे दिया, ठीक है, मैं अभी सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया num और char c, ठीक है, तो ये क्या है? ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है इसको। और ये num और char c जो है, जितने फंक्शंस इस प्रोग्राम के अंदर में होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे void f u n one, इस टाइप के फंक्शन बनाया, void f u n two, इस टाइप से जितने भी फंक्शंस बने होंगे, ठीक है, सभी में एक्सेसिबल होगा, ये सभी में यूज होगा, मतलब एक कॉमन हम लोग स्टोरेज बना रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कॉमन वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं जो हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सार्वजनिक टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल, जो हर एक फंक्शन में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। यस सर। समझ में आया?
तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, जो हम लोग एक फंक्शन के बाहर में उसको डिक्लेयर करते हैं और उसको हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं। यस सर। डाउट है? नो सर। आगे समझ में? यस सर।